दोस्तों सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में घंटी का निशान जो दिखाई दे रहा है उसको दबा दें, जिससे कि मैं जो भी वीडियो डालूं सबसे पहले आपको देखने को मिले। इसके द्वारा वैकेंसीज का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ये वैकेंसीज कैप्स यानी कि सेंट्रल आर्मर्ड पुलिस फोर्सेस के लिए है और 25,271 टोटल वैकेंसीज रखी गई है। वैकेंसीज के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन बनना शुरू हो गया है 17/7/2021 से और लास्ट डेट 31/8/2021 रखी गई है। इसके लिए फीस वगैरह जमा कर सकते हैं 2/9/2021 तक, और जो एग्ज़ाम का डेट है उसको बाद में बताया जाएगा। शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन टू बी इन्फॉर्म लेटर, ऐसा इस नोटिफिकेशन में कहा गया है। जो वैकेंसीज है दोस्तों अलग अलग फोर्सेज में है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे जो वैकेंसीज होगी। कांस्टेबल जनरल ड्यूटी के लिए वैकेंसीज है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स यानी CISF में है, उसके अलावा इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस ITBP में है, सशस्त्र सीमा बल यानी कि SSP में है, सेक्रेटरी सिक्योरिटी फोर्स SSF में है, और साथ में आसाम राइफल्स में वैकेंसीज रखी गई है। जो वैकेंसीज है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर यानी कि गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है दोस्तों, और इसमें जो पड़ाव होंगे उसमें कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा CB, उसके बाद फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी कि PET होगा, उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन और फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। वैकेंसीज MHA के अंतर्गत आती है दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंतर्गत, और इसके लिए आप SSC की वेबसाइट में जाके इसको अप्लाई कर सकते हैं। www.ssc.nic.in के माध्यम से अप्लाई करना होगा। इसके लिए जो पेमेंट मिलेगी लेवल 3 की पेमेंट मिलेगी दोस्तों 21,700 रुपये से 69,100 रुपये, और वैकेंसीज का टोटल यहाँ पे नोटिफिकेशन में दिया गया है कितनी कितनी वैकेंसीज किस फोर्स के लिए रखी गई है। वो BSF में टोटल वैकेंसी 7,545, CISF में रखी गई है 8,464 है, SSB में दोस्तों 1,431 है, उसी तरह से ER में रखी गई है 3,784, SSF में रखी गई है 204 वैकेंसीज, टोटल वैकेंसीज 25,271 वैकेंसीज रखी गई है। और यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता भी होगा कि 10% वैकेंसीज जो है एक्सेसमैन के लिए रिजर्व रहती है, 10% वैकेंसीज आज ईयर मार्केट फॉर एक्सेसमैन, इफ सुटेबल एक्सेसमैन कैंडिडेट आर नॉट अवेलेबल वैकेंसीज रिजर्व फॉर ESM विल बी फिल्ड बाई नॉन ESM कैंडिडेट ऑफ द रिस्पेक्टिव कैटेगरी, यानी कि एक्सेसमैन की 10% वैकेंसीज यदि वो अवेलेबल नहीं होते तो फिर वो वैकेंसीज जनरल को चली जाएगी। इसके लिए ऑल इंडिया से आप अप्लाई कर सकते हैं, जो भी सिटीजन ऑफ इंडिया के हैं या यूनाइटेड स्टेट के हैं, स्टेट के हैं, वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, पूरे भारत से अप्लाई कर सकते हैं। एज रखी गई इसके लिए 18 से 23 साल के जो भी हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, और एज में छूट मिलेगी जो भूतपूर्व सैनिकों को मिलता ही है, 3 साल की यहाँ पे छूट दी जा रही है दोस्तों। आपने जितनी साल सर्विस की है उसमें प्लस 3 साल जोड़ देना है और उसको अपने टोटल एज से घटा देना है, तो वहाँ टोटल 23 साल से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन जिन्होंने भी 10th पास किया है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए किस तरह से अप्लाई करना है, इसका जो वेबसाइट है ऑफिशियल वेबसाइट SSC के माध्यम से अप्लाई होता है, जैसे कि आप लोगों को पता होगा SSC.NIC.in के माध्यम से अप्लाई करना होगा, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। जो आपको फोटोग्राफ्स है इसमें जो इंस्ट्रक्शंस दिए हैं उसमें कहा गया है कि वहाँ 3 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, और फोटोग्राफ्स के ऊपर जो डेट है वो लिखा होगा, जब आप साइबर कैफे में जाएंगे तो वो लोग इसको इंश्योर करेंगे। 31/8/2021 से पहले आप लोगों को भरना होगा। एप्लीकेशन फीस भूतपूर्व सैनिकों के लिए कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं रखी गई है, जैसे कि आप देख रहे होंगे आप लोग ESM एलिजिबल फॉर रिजर्वेशन आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द पेमेंट ऑफ फीस, यानी कि उनको कोई फीस नहीं देनी होगी। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, इसके लिए जो एग्जाम होगा कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, जो कि 100 मार्क का होगा, जिसमें जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, साथ में एलिमेंट्री मैथमेटिक्स और इंग्लिश पब्लिक हिंदी, टोटल 225 नंबर के हर सब्जेक्ट होंगे और सब में 25 मार्क रखा गया है, यानी कि 100 क्वेश्चन होंगे और 100 नंबर के होंगे। टोटल टाइम मिलेगा दोस्तों 90 मिनट का टाइम दिया गया, साथ में नेगेटिव मार्किंग रखी गई है 0.25, यानी कि 1/4 नेगेटिव मार्किंग इसमें रखी गई है। जो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग सब्जेक्ट है उसमें किस किस सब्जेक्ट को कवर किया जाएगा उसका डिटेल्स, जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस उसमें किसको उसका डिटेल्स यहाँ पे दिया गया है, हिंदी इंग्लिश में जो किस किस सब्जेक्ट को कवर किया जाएगा उसका डिटेल्स भी यहाँ पे है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट साथ में फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट उसका भी डिटेल्स यहाँ पे दिया गया है। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा दोस्तों 5 किलोमीटर 24 मिनट में, और जो लद्दाखी है उनके लिए अलग स्टैंडर्ड रखा गया है, फीमेल है उसके लिए उनके लिए भी यहाँ पे स्टैंडर्ड अलग रखा गया है। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में हाइट रखी गई है 170 सेंटीमीटर मेल के लिए, और फीमेल का भी यहाँ पे डिटेल दिया गया है, साथ में जो शेड्यूल कास्ट हैं
ईस्टर्न साइड की, नॉर्थ ईस्टर्न साइड की है, जो लद्दाखी हैं, गोरखालीज हैं, नेपालीज हैं या उत्तराखंड से रिलेटेड हैं, उनके लिए हाइट में छूट दी गई है। उसका डिटेल्स यहाँ पे पूरा आप लोग देख पा रहे होंगे। साथ में छाती जो चेस्ट है 80 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर पुराना होगा, उसका भी यहाँ पे दिया गया है। वेट जो होगा दोस्तों हाइट के हिसाब से या मेडिकल स्टैंडर्ड के हिसाब से दिया जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है इन्होंने कि हाइट और मेडिकल स्टैंडर्ड के हिसाब से वेट का सिलेक्शन किया जाएगा। सिटीज ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर के बारे में दोस्तों लिखा हुआ है, यहाँ पर पूरा डिटेल्स आप लोग देख पाएंगे आप किस रीजन के अंतर्गत पढ़ते हैं और वहाँ पे कहाँ कहाँ एग्जाम होगा, उसका पूरा डिटेल्स यहाँ पे दिया गया है। एसएससी के जो भी ऑफिसर्स हैं, जैसे कि एसएससी सीआर इलाहाबाद है, एसएससी ईआर कोलकाता है, उनके नंबर दिए गए हैं। रीजनल हेल्पलाइन है, आप उस पर कॉन्टैक्ट करके यदि कुछ पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं इससे रिलेटेड। बाकी दोस्तों किस तरह से फॉर्म को भरना है उसका एक एक स्टेप वाइज यहाँ पर बताया गया है, आप लोग इसको देख सकते हो यदि आप लोग देखना चाहते हैं तो। और साथ में इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं किस किस तरह से फ़ोटो की रिक्वायरमेंट रहेगी और क्या क्या डिटेल्स इसमें बननी है, उसका डिटेल्स भी आप लोग देख सकते हो कि स्टेप कवर किया है इन्होंने। आप लोग एक बार देखना चाहे तो देख सकते हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, क्लिक करके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और पूरी प्रक्रिया को जान सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अच्छा लगे लाइक और शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।